भाई जो है फिर निफ्टी कहाँ खुला देख रहे हो। मैं 200 की पुट ऑप्शन लेके गया हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर जो टेंट है मैं लगा हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, मेरी तरह नहीं कर रहे होंगे। भाई मेरे तुम्हारे भाई का तो लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है भयंकर वाला। चलो कोई नहीं, अभी मैं सिस्टम पर जा रहा हूँ और इस महीने देखते हैं, या उस वीकेंड मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ। ओवरनाइट लग गए भाई, लगने वाले हैं। मतलब अभी देखता हूँ, ग्लोबल मार्केट बहुत पॉजिटिव चल रहा है और अपना देखी जाएगी क्या सिचुएशन कैसे रहता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। ट्रेड तो क्या होगा, मुझे मैं सोचा हूँ ये ओवरनाइट को कट करके बंद करता हूँ, लॉस में जो भी रहेगा वही सेम जो अपना लॉस प्रीवियस मंथ की स्टार्टिंग में हुआ था वो अभी तक सेम बरकरार है। तो अब अपने पास ये पूरा महीना है करने के लिए और देखता हूँ मैं 9000 क्वांटिटी उठा के लेके गया तो किस पर रहता है। ओवरनाइट होल्ड करना कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि यार ये डाउन दे सकता है, लास्ट में शार्प फॉल आया, लेकिन कल शायद यूएस में कुछ न्यूज है जो का इन्फ्लेशन डाटा यही चीज मैंने मिस किया। मेरे को इसका आइडिया नहीं था कि ऐसा ऐसा चीज आने वाली है और जो कि बहुत पॉजिटिव आया है मार्केट के लिए। उसकी वजह से कल यूएस मार्केट तो खड़ा जा रहा था ऐसे, मैं कह रहा भाई जिस दिन मैं ही लेके जा रहा हूँ उस दिन ही मार्केट खड़ा जाते, लेकिन कोई नहीं। तो हर ओवरनाइट में हर किसी उसमें आप ठीक नहीं हो सकते, और जैसे हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है तो कंसिस्टेंट लॉसेस भी होते हैं। बस ये है कि लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए आपके प्रॉफिट वाले महीनों से, वो मेरा नहीं रहता है कभी बड़ा। लेकिन इस मंथ के एंड तक आई होप मैं कहीं ना कहीं अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करूंगा, और क्योंकि इस मंथ में पूरा सिस्टम पर बैठ कर ट्रेड करूंगा। अभी तो इधर उधर भी जा रहे, ट्रेड भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। भाई जो है फिर निफ्टी कहाँ खुल रहा है देख रहे हो? मैं 200 की पुट ऑप्शन लेके गया हूँ, ये 400 पर खुल रहा है। अरे यार अभी थोड़ा सा मैं लेवल्स देखता हूँ एक बार फिर निफ्टी के। हाँ फिर निफ्टी का लेवल्स अगर चेक किया जाए तो ओपनिंग 400 के आसपास दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट ये जो मूव है कवर कैप्चर कर चुका है, मतलब खा चुका है। तो एक तरीके से इन यहाँ पर कहीं पर SL भी हो सकता है लोगों का, इसके ऊपर निकला तो SL खा के भागे गए। तो देखते हैं अपना, तो मुझे लग रहा है 50% वाइप आउट होगा सीधा सीधा, है ना। 50 कितना, 50 का प्रीमियम 25 पकड़ जाएगा। चलो देखते हैं, और अपना इनको हटा देते हैं थोड़ा सा। निफ्टी भी अपना निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं है, निफ्टी तब भी 63 के आसपास खुल रहा है, 34 निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है मेरे को, मतलब निफ्टी में उतना खास वो नहीं है। 18,500 के लेवल पर खुल रहा है, कहीं भी यहाँ कहीं खुल रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे होता है ओपनिंग, क्या रहती है मेरी पोजीशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेंट हमें लगा 50 का प्रीमियम 20 पे आके काटे, 20 पे कटा है मेरे ने, 20 पे। तो सीधा सीधा अपना जो यहाँ पे टेंट लग चुका है भाई, 3 लाख का सुबह सुबह डेंट लगा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये अपना हो चुका है डन फॉर द डे, डन फॉर द वीक, है ना। वीकली लिमिट भी अपनी जा चुकी है, तो अब देख के संभल के करना पड़ेगा जो भी करना है, क्योंकि अब ये अपना जो डेंट है इसके बाद डे का ट्रेडिंग तो ये इफेक्ट करेगा ही करेगा। अभी अपन देखते हैं क्या रहता है आज का मार्केट। तो दोस्तों अभी चेकआउट कर लिया अपन ने, और अभी मेरे को यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने के लिए जाना है। बाकी अभी जो अपना मॉर्निंग ट्रेड आपको बताइए वो है, उसके बाद एक छोटा मैंने ट्रेड किया, इससे अभी अराउंड 4,000 का प्रॉफिट बनाया है, खुजली तो है भाई, है ना। बाकी अभी हम अपन बैठेंगे सेटअप पे, अगला हफ्ता पूरा सिस्टम पे बैठ के ट्रेड होगा, तो सिस्टम पे बैठ के थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से रियल ट्रेडिंग होगी। अभी तो ये नॉर्मल है, इतना कुछ वो इससे फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब थोड़ा सा सिस्टम पे बैठ के करेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी मैं देख रहा था मेरी इंस्टाग्राम रील के कमेंट्स में, भाई आपस में ही क्या होते हैं वहाँ पर लोग डिस्कशन कर रहे थे, लगता है लॉसेस देखे नहीं कभी ट्रेडर्स के। भाई लॉसेस होते हैं, लॉसेस होंगे, अब आप प्रॉफिट्स ही देख के अट्रैक्ट हो रहे हो, ये गलती मत करो ट्रेडिंग में बॉस, है ना। मैं आपसे खुद ही कहता हूँ, आप मुझे गिन के बता दो, गिन के आप 15 से 20 ऑप्शन बायर गिन के, जो प्योरली ऑप्शन बायर है गिन के, मेरे को कमेंट में बता दो, मैं मान जाऊँगा हाँ कि यार हाँ ऐसा बनता है। नहीं बनता है बॉस, तुमको इतना वो लगता है ना कि यार इतना ईजिली बन जाता है। देखियो वुमेन, ठीक है, लाइट तो है नहीं। मत बोल भाई, है ना। तो लॉसेस इसीलिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चले यार, कैसे लॉसेस वाले फेस आते हैं, कैसा महीना इधर इधर जाना था, कैसा महीना वाला फेस आता है तो पूरे लॉसेस को वाइंड अप करके आपको प्रॉफिट में लेके चल देता है। तो रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे कमेंट वमेंट में आपस में लड़ो मत यार दोस्तों, ठीक है, होते रहते हैं, लॉसेस होंगे तभी तो आपको चीज़ रियलिटी पता चलेगी। हाँ यार, क्या आपको ऐसा लगता हुआ कि यार एक प्रॉफिट बनाता है ट्रेडर, तो बड़े बड़े प्रॉफिट होते तो लगातार ही बनाता हुआ, क्या बड़े लॉसेस नहीं होते क्या? अगर बंदा कोई 1-2 करोड़ के प्रॉफिट बनाएगा या 1 करोड़ के प्रॉफिट बनाएगा तो भाई 50-60 लाख के लॉसेस भी तो कहीं ना कहीं फेस कर रहा होगा। ये चीज़ें दिखती नहीं है लोगों को, ये चीज़ें मतलब हम रिटेल, मैं जैसे मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ,
ठीक है, तो मुझे ये चीजें नहीं दिखी थी पहले, मैं पता नहीं था रियलिटी क्या, मैं तो एकदम लालच में घुसा था मार्केट यार, ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है, मैं किसी हद तक घुस गया था वो आपको पता ही है। तो एटलीस्ट आप अगर देख रहे हो तो आपको ये रियलिटी थोड़ा सा पता होनी चाहिए, तो आप थोड़ा संभल के काम करोगे। तो दोस्तों अभी दूध वाला है, रैयाली वाली बाइक दूध वाली की होती है, टक 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 वाली। तो अभी अपना जो नया स्टूडियो और सेटअप होने वाला है, खुलने वाला है जहाँ पे, वो लोकेशन है ही, और यहाँ हॉल सेट सब रेडी है, दीवार दीवार पूरा कल खुल के सीलिंग लाइट वाइट सब करवा रखा है, और तो ये वाला रूम रहेगा अपना स्टूडियो, बढ़िया। तो इसकी प्लानिंग चलती है, मतलब ऑलमोस्ट हो जाएगा इस वीकेंड के नेक्स्ट वीकेंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सब प्लान चल रहे थे मेरे। बाकी देखते हैं और क्या क्या है, यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी। तो दोस्तों अभी अपन यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपना ये जो भीमताल पे पड़ता है, देखो मचान रेस्टोरेंट, यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं अपना लंच वगैरह, और मार्केट देखो जेड बना दिया इसने, नीचे ऊपर नीचे, तो यहाँ भी पूरा नचा रहा है, और अपन क्या किए कुछ नहीं, हम चाह के भी कुछ नहीं करते, छोटा से इसमें बस छोटी क्वांटिटी से खुजली मिटा रहा हूँ, अपन चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अपना आपको कंट्रोल में काबू में रखना ही बड़ी बात होती है, वो करना जरूरी है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो मार्केट आपको वो फोमो करवाएगा, फोमो फील होगा आपको, तो फोमो में सब उड़ा दोगे, ठीक है। तो अभी अगले वीक से अपन सेटअप पे बैठेंगे, तब थोड़ा सा सिस्टमेटिक ट्रेड होगा, अभी गिरने दो, ऊपर चढ़ रहा है चढ़ने दो, नीचे आ रहा है आने दो, ज़्यादा खुली नहीं करनी है मार्केट के अंदर, वरना मार्केट फिर तुम देख ही रहे हो, ये यही है बॉस, यही है जो, अगर आपको उसे प्रॉफिट 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 देख के मजा आता था ना, तो थोड़ा सा असलियत ना ये होता है कि हम वो देना देखना चाहते हैं ना, वो डाइजेस्ट होती है क्या, तो लॉसेस होते हैं, हमने तो नहीं देखा, लॉसेस तो होते नहीं, लॉसेस होते हैं बॉस, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अट्रैक्ट मत हो ना, ठीक है। 365 डेज देखो ब्लॉग्स को, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ असली ट्रेडिंग क्या होती है, और किस तरीके से ट्रेडिंग में इमोशंस आते हैं, साइकोलॉजी ख़राब होती है, डिसबैलेंस होता है ना, माइंड सेट जो आप बना के चल रहे हो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलो अभी अपन कुछ खा लेते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों अपन यहाँ खाना खाने रुके थे और जो ट्रैफिक अब हो गया है, भयंकर वाला हो गया है, अब अपन यहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो मैं आज यहीं रुक रहा हूँ, ना पीछे जा सकते ना आगे, देखो इतनी सी जगह है ये, इसका आधी की जगह है, ठीक है बाइक वाले, अब यहाँ से हम नहीं जा सकते, और ये जो जाम है अभी अपन को इधर ही रुकने में मजबूर कर रहा है, ठीक है। और पीछे हमें ऐसी जगह, क्योंकि यहाँ पे है गवर्नर साहब का मूव, या मतलब गवर्नर साहब आ रहे होंगे, तो उसकी वजह से अब हम बहुत बुरी जगह पर फंस चुके हैं, और अपने को अभी घर जाने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, 4 घंटा, और अपने मेरे अंदर अब इतना पेशेंस लेवल भी नहीं था, यही रुकेंगे आज, अभी तक रुकेंगे। तो बाकी रहा ट्रेड का, वो आपको पता ही था, जो मॉर्निंग है वही रहा है, कुछ वो ज़्यादा उस नहीं किया, अब जो होगा अगले हफ्ते से होगा और ढंग से होगा, थोड़ा सा सिस्टम पे बैठ के यही रहा आज का। तो लूजिंग स्ट्रीक अपनी कंटिन्यू ही है, ऑलमोस्ट लास्ट मंथ से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट, अभी इसको मिला के ऑलमोस्ट हो गया होगा अपना 6 लाख का नेट टू नेट लॉस। तो अभी अपन देखते हैं इसको कैसे स्लो एंड स्टडी करेंगे, कवर अप तो क्या ही करूँगा मैं, मतलब अपना जो नॉर्मल मेरा जो सेटअप है, जब मेरे लॉसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं वहाँ पर मैं अपना दूसरा सेटअप यूज़ करता हूँ, मतलब दूसरा जो मेरा तरीका है ट्रेड्स को मैनेज करने का या स्कैल्पिंग करने का, 2-3 तरीके से स्कैल्प करता हूँ, मतलब 2-3 सेटअप है, वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड्स वो ज़्यादा रहती है, तो कोशिश करूँगा मैं उसको अप्लाई करके थोड़ा सा इसको, अब बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया अपन ऐसे ही लगे पड़े, तो थोड़ा सा अब एग्रेसिव भी होना पड़ेगा और थोड़ा सा डिफेंसिव भी, मतलब दोनों चीज़ करके मैनेज करके करना पड़ेगा ट्रेड्स, वो तरीका है वो, अगर वो चीज़ अगर काम करेगा और उस पर रिजल्ट्स आएंगे एकदम उससे जल्दी अगर कवर होगा या उससे लॉस ओवरकम कर जाऊंगा, तो मैं श्योर उसको आपके साथ शेयर भी करूंगा, बट वो रिस्की है इसलिए मैं शेयर नहीं करता, क्योंकि स्कैल्पिंग रिस्की है, मैं पहले ही बताता हूँ, स्कैल्पिंग में ऐसी मत जाना, ऐसी मत घुसना, ठीक है। तो बाकी अभी एक क्लियर करवा दे जाम हम, क्या करूँगा वापस, और अब जहाँ ये घुसेड़ने वाला है हमको, भाई साहब भाई नहीं आई, अरे नहीं आएगी मेरे भाई, नहीं आई, मैं जाता हूँ, मैं जाके देखो बाहर से दिखा, यहाँ से खिड़की से दिखा, रोड टूटी हुई है, कैसे जाएगी गाड़ी, यहाँ डलवाना चाह रहा है भाई, ऐसा मत करो यार,
अभी भाई क्या करेगा, निकाल लेगा हवा में, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, रोड भी बनवा दे। हाँ भयंकर देखो इतनी बड़ी गाड़ी तो ले लिया, हमें खुद की रोड बनानी पड़ेगी। हाँ ये है ना, यही है ये जो चने के झाड़ पर चढ़ाते ना भाई, ये कर ले वो कर ले। भाई भाई देख देख खुल गया खुल गया खुल गया, अभी पीछे से घुमानी है हमने तो भाई बहुत जा किधर रहे ये भी नहीं पता हमें, मुझे पता है। तो अभी ये जो रास्ता पे हम यहाँ जा रहे हैं ना, हमने यहाँ से घूम के इसी में वापस आना है तो अभी तुम सोचो कितना टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट कितना गाड़ी है, रोड के बगल में होटल में टोंटो ही होती है, तो ऑलमोस्ट शाम हो गई है और अपन आज दही रुक रहे हैं, कल ही मैं सुबह पहुंचूंगा घर, अभी देखते हैं रात को। तो आज का ऐसी था, आपने देखा होगा ओवरनाइट पोजीशन, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। उसका रीजन है कि अपनी जो लॉस लिमिट है वीक की हिट हो चुकी है, अब तुम्हारा ऑलरेडी एक लॉस है, अब तुम ट्रेड कर रहे हो उसमें भी तो लॉस होगा ना, प्रॉफिट होगा वो अलग बात है, लॉस होगा ना तो तुम क्यों रिस्क लेने जा रहे हो, फालतू का बढ़ाने क्यों जा रहे हो, और स्ट्रेस होता है। तो अभी अपन आप नेक्स्ट वीक से देखेंगे किस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये चीज होता है। मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ, बार बार बोलता आ रहा हूँ, गाड़ी का शोरगुल यहाँ पर रहेगा, इसलिए मैं जल्दी एंड कर रहा हूँ। हाँ अबे यार, तो बहुत शोरगुल रहता है, मतलब रोड के बगल में तो जस्ट ले लिया क्योंकि आगे बहुत पूरा पैक है, जा नहीं सकते। तो यही था, बाकी अगर आप को अभी तक ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट से देखे हैं, यार किसी के प्रॉफिट 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 लॉसेस नहीं देखे हैं तो वो देखो, और वो मैं वो ही दिखाना चाहता हूँ कि भैया रियलिटी मेरे को देख के कोई इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग में घुसेगा और उसके लॉस होंगे, वो तो कहेगा मैंने तो प्रॉफिट देख रहा, लॉस कैसे हो गए। एटलीस्ट एक बार जब लॉसेस देखेगा ना कि यार ऐसे लॉसेस भी होते हैं, इनसे डील करना पड़ता है, ये स्ट्रेस झेलना पड़ता है ना, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, जा रहे हो, उधर जा रहे हो और लॉसेस भी हो रहे हैं, तो वो सारा जो फेज होता है वो हर किसी ट्रेडर को होता है, हर साल होता है, हर महीने में हर वीक में कभी ना कभी चीजें आती हैं। तो अपना भी ऐसी एक चल रहा है लूजिंग स्ट्रीक, बट आई होप, मुझे इतना भरोसा है कि इस मंथ में सीरियसली अभी सिस्टम पर बैठ के पूरा का पूरा कवर अप कर लूंगा, और ये आप देख भी रहे हो, और आपको इस मंथ के एंड में आई होप ये रिजल्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का ब्लॉग, और बाकी आपने देख लिया होगा कैसा था मेरा ओवरनाइट पोजीशन का रिजल्ट। ठीक है, लेकिन इस वीकेंड और अगले वीक में आपको काफी अच्छा मजा आएगा, काफी मैं थोड़ा सा सीरियसली बैठ के अभी घूम फिर के कर रहे थे, तो मैं अभी कमेंट सेक्शन में देख रहा था रील रील वालों में है ना, काफी लोग कह रहे थे ये है वो है, अरे यार आप आज आ रहे हो, आप आज देख रहे हो, इंसान को पहले की हिस्ट्री नहीं देखी है, तो वो सब नहीं देखना है। तो छोटे मोटे लॉसेस हैं यार, हमने 18 लाख दिन का झेला है, 24 लाख हफ्ते का लॉस झेल रखा है, तो 2-3 लाख का लॉस होता है क्या, जब इतना बड़े बड़े लॉसेस से कवर अप करके आ गए ऊपर, तो ये तो नॉर्मल सी बात स्टेज है ना, और वो लूजिंग फेस, ड्रॉडाउन फेस, वो फेस हर किसी ट्रेडर का आता है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन को दबा दीजिए, और बाकी आप कमेंट नीचे करते ही हो और मैं पढ़ते हुए रहता हूँ आप लोगों के कमेंट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।